जय माता दी। दोस्तों, नवरात्र में करें यह उपाय और अगर इनमें से एक भी उपाय कर लिया तो किस्मत चमक जाएगी। नवरात्र के 9 दिनों को पूरे साल में सबसे शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है, यदि किसी काम को करने के लिए पूरे साल में कोई भी शुभ दिन नहीं है तो ऐसे काम को नवरात्र में सम्पन्न किया जा सकता है। तंत्र शास्त्र का भी यह मानना है, इन 9 दिनों में किए गए टोटके जल्द ही शुभ फल देने वाले होते हैं। तंत्र मंत्र में विश्वास करने वाले कुछ लोग तो हर नवरात्र में टोटके करते हैं। इस समय में किए गए टोटके तुरंत असर दिखाते हैं। माना जाता है कि यदि नवरात्रि में टोटके किए जाएं, तो आपकी समस्या जल्द ही खत्म हो जाती है और आप पहले से ज्यादा अच्छा अनुभव करते हैं। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। पहला, घर में कलेश हो तो। दोस्तों, कलेश तो हर घर में होता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। यदि आपके घर में पारिवारिक समस्याएं ज्यादा हैं, नवरात्रि के अंतिम दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सब नर करे परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि में घी से 108 बार आहुति दें। घी की आहुति देने के बाद सब नर करे परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति का घर में प्रतिदिन कम से कम 21 बार जप करें। हो सके तो और भी परिजन जप कर सकते हैं, इससे परिवार का माहौल तेजी से बदलने लगेगा। दूसरा, धन लाभ के लिए अष्टमी या नौमी तिथि को साफ स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें। अपने सामने लाल चावलों की एक ढेरी बनाकर उस पर श्री यंत्र रखें। श्री यंत्र के सामने तेल के 9 दीपक जलाकर उपासना करें। इसके बाद श्री यंत्र को पूजा स्थल पर स्थापित कर दें और अन्य बची हुई सामग्री को जल में प्रवाहित कर दें। आपको जल्द ही धन लाभ होगा। इस उपाय को करने से व्यक्ति की दरिद्रता का नाश हो जाता है। तीसरा, मनोकामना पूर्ति के लिए अष्टमी तिथि को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाकर अच्छे से स्नान कराएं। इसके बाद मंदिर की सफाई करें और महादेव का श्रृंगार पूरे मन से करें। आप भोलेनाथ का ध्यान करते हुए मंदिर से आ जाएं। इसी दिन रात के करीब 10 बजे मंदिर में फिर से जाकर अग्नि प्रज्वलित कर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए घी की 108 आहुति दें। इसके बाद 40 दिनों तक इस मंत्र की 5 माला जप करें और जप आप घर पर ही करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगला है, विवाह ना हो रहा हो। लाख कोशिशों के बाद भी विवाह के लिए लड़के या लड़की का चयन नहीं हो पा रहा तो यह उपाय आपके विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देगा। इस उपाय के संपन्न होने के कुछ ही दिन बाद आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। इसके लिए नवरात्र के पहले दिन पूजा के स्थान पर शिव और पार्वती का चित्र स्थापित करें। प्रतिदिन ओम शंख शंकराय सकल जन्मार्जित पा विध्वंस नाये, पुरुषार्थ चतुष्टय लभाये, व पतित में देवी कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 3 या 5 माला जप करें। ऐसा करने से आपको मन पसंद जीवन साथी मिलेगा। अगर आप बेरोजगार हैं या फिर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो नवरात्रि के अष्टमी वाले दिन शुद्ध कपड़े पर बैठकर उपासना करें। नौकरी या व्यापार के लिए ओम रीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप 21 बार या 31 दिन तक करें। आपको रोजगार प्राप्ति में मदद मिलेगी। अगला है, जीवन में परेशानी है तो। यदि आपका जीवन परेशानियों और अस्थिरता से भरा हुआ है तो नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा सप्तशती का एक या अधिक बार पाठ करें। इसके बाद माँ भगवती की लौंग और कपूर से आरती करें। दुर्गा सप्तशती का नियमित रूप से पाठ करने से आपकी परेशानियाँ कम होंगी और यदि आप खुद पाठ नहीं कर सकते तो किसी योग्य ब्राह्मण को दक्षिणा देकर पाठ करवाया जा सकता है। ऐसा करने या करवाने से जीवन में खुशहाली आएगी। तो दोस्तों, ये था नवरात्रों में करें यह चमत्कारी उपाय। इनमें से एक भी उपाय कर लिया तो किस्मत चमक जाएगी। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।